ना चलेगा पंजा, ना चलेगा खट्टर, चंडीगढ़ जाएगा फौजी का हेलीकॉप्टर। टीम मौजूद है एसडीएम ऑफिस में, जहां अभी अभी जो सफीदों के प्रबल आजाद उम्मीदवार हैं, जो चुनाव विधानसभा का लड़ रहे हैं और बड़ी मजबूती से दिन पर दिन आगे बढ़ रहे हैं, अभी अभी उनको चुनाव निशान मिला है, हम उनसे जानना चाहेंगे। राजवीर शर्मा जी, आपका स्वागत है ग्राउंड मीडिया सर। धन्यवाद हरीश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर हमें भी बता दो, चुनाव चिन्ह क्या मिला है आप? हमें चुनाव चिन्ह मिला है आज हेलीकॉप्टर का, ये हमारा हेलीकॉप्टर है, ये राजवीर शर्मा फौजी का आजाद उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह है हेलीकॉप्टर। कोई स्लोगन भी सोच लिया सर? इसका एक स्लोगन है, हाँ जी बता दीजिए जनता को। ना चलेगा पंजा, ना चलेगा खट्टर, चंडीगढ़ जाएगा फौजी का हेलीकॉप्टर। तो चुनाव निशान मिलते ही आपने स्लोगन सोच लिया, एक बार स्लोगन दोबारा बोलेंगे जरा, हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि क्या स्लोगन का आपने नाम रखा है। यस दे दो भाई एक बार, ये मिला है, अरे दे दो भाई, ये मिला है हेलीकॉप्टर इनका, ये चाबी हम भर लेते हैं, एक मिनट रुको, चाबी जनता भरेगी, चिंता मत करो सर। हाँ एक बार स्लोगन दोबारा बोल दीजिए। ना चलेगा पंजा, ना चलेगा पंजा, ना चलेगा खट्टर, चंडीगढ़ जाएगा फौजी का हेलीकॉप्टर। वाह जी वाह। तो बहुत बढ़िया, यहाँ हमारे साथ मौजूद थे आजाद प्रत्याशी, जो विधानसभा चुनाव सफेदों से काफ़ी सालों से तैयारी कर रहे थे और अब उनको मेहनत का उनका फल मिलता दिखाई दे रहा है और यहाँ भी जन समर्थन देख रहे हैं, काफ़ी संख्या में लोग उनके साथ हैं और दिन प्रतिदिन का चुनाव रंग लाता जा रहा है। अब ना जाने सफेदों की जनता 24 तारीख को हेलीकॉप्टरों को कहाँ लेके जाएगी, कहाँ बिठा के जाएंगे, जैसे भाई साहब ने बताया। तो भाई साहब कैसा महसूस हो, हेलीकॉप्टर का निशान मिला है, क्या मानते हैं? बात बताइए, चंडीगढ़ जाना है तो कुछ साधन चाहिए कि नहीं चाहिए? कुछ चाहिए जी। जितने भी प्रत्याशी, बड़ी खुशी महसूस हो रही है हेलीकॉप्टर का निशान मिलते ही। बिल्कुल, क्या वजह है? वजह यही है कि चंडीगढ़ जाने का सबसे बढ़िया तरीका और सबसे पहले पहुंचने का साधन ना, ना टोल लगेगा और ना जाम में फंसोगे और टाइम का टाइम बचेगा। ये ना टोल लगेगा, ना जाम लगेगा, ना टाइम बचेगा, ना परेशानी होगी, लोगों की समस्या जल्दी सोल्व करके लाओगे। इसका मतलब ये है कि ये जितनी भी हैसल्स हैं ये सब खत्म और हेलीकॉप्टर चंडीगढ़ गया। तो हमारे साथ ये मौजूद थे आजाद उम्मीदवार सफेदों विधानसभा से राजवीर शर्मा, जिनको हेलीकॉप्टर का निशान मिला है और बड़े बाग बाग दिखाई दे रहे, बड़े खुश हैं वो, हेलीकॉप्टर का निशान मिलते ही इन्होंने एक स्लोगन भी सुनाया अभी। हाँ जी, और एक बात और बता दें आपको, मैं फौजी राजवीर शर्मा अकेला आजाद उम्मीदवार हूँ सफेदों हल्के के अंदर। यहाँ पे सभी पार्टियों से लड़ रहे हैं, कोई भी दूसरा आजाद उम्मीदवार नहीं, बाकी कांग्रेस काफी सारे थे, आज 5 आदमियों ने अपने फार्म उठा लिए जी, सभी ने समर्थन लगा लो या उन्होंने फार्म उठा लिया, तो मेरा ही समर्थन किया उन लोगों ने। ठीक है सर। तो अकेला आजाद उम्मीदवार ये फौजी भाई है, आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करता हूँ कि इस फौजी को हेलीकॉप्टर के साथ चंडीगढ़ भेजें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब ये थे राजवीर शर्मा, आजाद प्रत्याशी स्पीडो विधानसभा के, जिन्हें हेलीकॉप्टर का निशान मिला, बड़े बाग बाग हो गए हैं हेलीकॉप्टर निशान मिलते ही। तो ग्राउंड मीडिया से मैं हरीश कपूर, अपने कैमरामैन सहयोगी इंतजार आलम के साथ। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और